बलिया से उड़ीसा के बालासोर में हुए रेलवे हादसे को लेकर भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है, रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही है जिससे आम जनमानस को काफ़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही आम जनमानस के जीवन को ही समाप्त कर दिया है। इन जिम्मेदारों की घोर लापरवाही को एक कमेटी की टीम बनाकर कठोर जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि फिर दोबारा इस प्रकार की लापरवाही ना हो सके। बहुत सारे लोग जाने गए, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे उनके लिए? यह एक बहुत दुखद घटना रही है। यह एक घटना जो है, मैं समझता हूँ कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटित हुई है। ये जनमानस को बहुत क्षति हुई है। इस पे सरकार जो है ना तो चिकित्सा की व्यवस्था ठीक समय पे कर पाई है। मैं समझता हूँ इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं एक कमेटी बना के जाँच करनी चाहिए और जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी अधिकारी है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये एक बहुत दुखद घटना है। इस घटना में जो लोग भी दुर्घटनाग्रसित हुए हैं या जो दिवंगत आत्मा को शांति के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, हम पूरे भारतीय जननायक पार्टी की ओर से उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाते हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार इसको त्वरित जांच कराए और जो लोग इसमें इस घटना में घटनाग्रसित हुए हैं उनके परिवार को भी आर्थिक लाभ दें, आर्थिक लाभान्वित हो जाए। जी, ये घटना को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, साफ तौर पे इसमें एक व्यक्ति को नहीं दोषी ठहराया जा सकता क्योंकि रेलवे एक अपने आप में एक बहुत जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसमें सभी बिंदुओं की जांच होंगी तो मैं समझता हूँ कि तथ्य सामने आ जाएंगे। इसमें किसी एक बिंदु पे और एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं होगा। इसमें मैं समझता हूँ कि इस पूरे रेलवे प्रशासन से लेकर के और रेल मंत्री तक इसमें सभी लोग दोषी हैं और सबकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जी, जो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा घायलों को चाहे मृत्यु को, इस पर को क्या कहना है, कितना देना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो किसी भी मृत्यु व्यक्ति को उसको पैसा दे देने से उसकी भरपाई, उसके परिवार की भरपाई नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, यह है कि कुछ ना कुछ उसको आर्थिक सहयोग करके उसके तकलीफ को, दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। मेरी मांग है कि कम से कम जो लोग जिसमें इस दुर्घटना में मृत हुई है कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको सहायता राशि दी जाए और जो घायल हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए दिया जाए। ये भारतीय जननायक पार्टी मांग करती है और मैं स्वयं भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी मांग करता हूँ और मैं स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखूँगा और माननीय रेल मंत्री जी को भी लिखूँगा और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी लोगों को सहायता पहुँचे।